कैसे हैं आप सब। अभी मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट, और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी मेथी के पराठे। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी रेसिपी आप लोगों से भी शेयर करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैंने लिया है आटा। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है अजवाइन और नमक, इसके बाद रिफाइंड ऑयल, और ये है मेथी और मिर्च, और आप चाहे तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। और मेथी को मैंने चॉपर में कट किया है, इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है। अब मैं इसको आटे में ऐड कर दूंगी, और पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, फिर इसका डो तैयार कर लूंगी। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ध्यान रहे कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसका डो तैयार करना है। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, मेथी के पराठे और साग है। और ये जो साग है ये मिक्स है, इसमें मूली का पत्ता है, पालक है, और भी चीज़ें हैं। इसके अलावा है मूली और अचार। तो आप लोग भी आ जाइए, और मेरा ब्रेकफास्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज ये देखिए मेरे यहाँ कौन आया है, अपना नाम बताओ। और ये देखिए मास्क हटा लो और दिखाओ कि कौन है। सो गाइज इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, ये है प्रीति चौधरी। और ये कौन लेके आया है, कौन लेके आया परी? तुम्हारी इधर से लिए हैं, हम इधर से आ रहे हैं मॉल की तरफ से। का जीरो भाई नहीं, ये पड़ी लोग के लिए नहीं, अपनी भी खाएगी, पांच है ना, अपनी भी खाएगी। हाँ, अपनी भी खाएगी। मम्मा मुझे येलो वाला खाना है। हाँ, तो उसी में से तुम दोनों बहन खा लेना और पड़ी जाना। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय सबके लिए, और यहाँ पर खाना चेक हो रहा है कि क्या क्या खाना बना है। नहीं, मैं सबको दिखा रही हूँ कि प्रीति चेक कर रही है कि खाने में क्या क्या बना है, और सब्जी तो उसको पसंद नहीं आएगा क्योंकि सब्जी में ना तो मसाला है ना तेल है। कैसा लगा बताना? क्योंकि हम लोग मसाला तेल बहुत कम खाते हैं। क्या चीज सब्जी, पानी से धो लो।
सो गाइज ये मेरी बहन है, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, प्रीति चौधरी। इसका भी ब्लॉग चैनल है, तो अगर आपने इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रीति चौधरी करके है। तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं और ये लोग बस एक घंटे के लिए ही आए थे, तो चाय के बाद मैं पकौड़ी बनाऊंगी, फिर ये लोग चले जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ बनाने का और खिलाने का मौका नहीं मिला, और इसने पहले ही बोल दिया था कि ज़्यादा कुछ मत करना, बस गोभी का पकौड़ा बना लेना। तो तैयारी तो मैंने पहले से ही करके रखी हुई है, बस बनाना है। तो चाय पीने के बाद मैं जाऊंगी पकौड़ा बनाने। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें गोभी डाल दूंगी। और ये सब तैयारी मैंने पहले से ही करके रखा हुआ था, ताकि आने के बाद बस बनाना हो। और इस मौसम में तो हर घर में गोभी का पकौड़ा ट्रेंडिंग में रहता है, मेरे यहाँ भी बहुत बार बन गया। तो किस किस को गोभी का पकौड़ा पसंद है कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी पसंद है और मेरे घर में सबको पसंद है। और ये देखिए पकौड़ा बन गया है, लेकिन अभी और भी बनाना है। और ये देखिए मैं पकौड़ा बना रही हूँ और मेरी बहन रिकॉर्डिंग कर रही है। और आज मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ, क्योंकि अभी मैं एक हफ्ते से बीमार चल रही हूँ, तो चेहरे पर दिख रहा है कि मैं बीमार हूँ। वैसे आवाज़ से तो आप लोगों को लग ही रहा होगा, तो मैं सारे पकौड़े इकट्ठे ही बना लूँगी, फिर सबको एक साथ बैठ के खाएंगे। और मेरे घर में हम तीनों लोग बीमार हैं और मेरी बहन भी बीमार है, फिर भी हम लोगों को देखने आई है, तो ऐसा होता है बहन बहन का प्यार। और ये देखिए पकौड़ा बन गया है और मैंने सबके लिए निकाल दिया है, तो आप लोग भी आ जाइए। और बाद में मेरी बहन का मन हुआ प्याज का पकौड़ा खाने का, तो बेसन तो बचा ही हुआ था, तो फिर उसी ने प्याज कट किया, तो अभी मैं प्याज का पकौड़ा बना रही हूँ। इसके बाद इन लोगों को भी निकलना है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का बटन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।